नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल 5 स्टॉक्स में। आइए बात करते हैं कल मार्केट कैसा रहेगा, कौन कौन से स्टॉक मूव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम इंट्राडे लेवल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की। जब यहाँ चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी 50 का 15 मिनट पे है, और ये देख रहे हैं जो ये लेवल है ऊपर का 880 से लेके 18,900 का जो लेवल है, ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 19 को भी रिजेक्शन लिया, 21 को भी लिया है, और आज भी लिया। आज 2 बार रिजेक्शन लेके वापस नीचे गया है। तो अभी आप निफ्टी में कल फ्राइडे को भी सेलिंग देख सकते हैं। सेलिंग कहाँ से एक्टिवेट हो सकता है, 18,750 के नीचे का मार्केट निकलता है, तो इसे आप सेल कर सकते हैं। जहाँ पर टारगेट रहेगा वो आराम से 680 तक का आराम से टारगेट ले सकते हैं। उसके भी नीचे आप अपना स्टॉपलेस ट्रेल करके टारगेट बुक कर सकते हैं विद यूज ऑफ फिबोनाची। बात करते हैं ऊपर कॉल साइड के लिए। जैसे ही मार्केट निकलता है 18,800 के ऊपर, आप कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा पहला वो होगा 860 का, और सेकंड फिर होगा 880 का। इसके ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन करता है, तब फिर आगे के टारगेट्स देख सकते हैं, जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता रहूंगा। आइए बात करते हैं अब बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे 44,000 के ऊपर निकला है, लेकिन सस्टेन नहीं कर काफी अच्छी सेलिंग आई है। जो नीचे का एक लेवल था यहाँ पे 43,650 का, उसी के अप्रोक्स आके वापस से बाउंस बैक किया है। तो कल फ्राइडे को जैसे ही मार्केट 43,650 के नीचे निकलता है, पुट साइड के लिए प्लान करेंगे। जो आपका टारगेट होगा वो पहला जो आपका टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 43,500 का, यानी यहाँ से 150 पॉइंट का। उसके बाद जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 43,400 का। यहाँ से अगर नीचे निकल के सस्टेन करता है, तो फिर हम आगे के टारगेट के प्लान करेंगे। वहीं बात करें कॉल साइड के लिए, जैसे ही मार्केट निकलता है 43,850 के ऊपर, आप कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। जो आपका टारगेट होगा फर्स्ट वो आपका यहाँ पर होगा 950 का, और सेकंड वही 44,000 का राउंड लेवल होगा। ये बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। हमारा फर्स्ट पिक है HDFC बैंक। HDFC बैंक आप बाई करेंगे 1,648 के ऊपर, SL लेंगे 1,642 का, टारगेट इसका होगा 1,657 का, और सेकंड टारगेट 1,665 का। सेलिंग के लिए आप सेल करेंगे 1,639 के नीचे, SL होगा 1,645 का, टारगेट आपका होगा 1,632 का फर्स्ट टारगेट एंड 1,624 का सेकंड टारगेट। बात करें सेकंड जो हमारा स्टॉक्स है वो है हीरो मोटो का। हीरो मोटो का बाई करेंगे 2,830 के ऊपर, SL लेंगे 2,815 का, टारगेट इसका होगा 2,852 का, और सेकंड टारगेट 2,860 का। बात करें सेलिंग साइड के लिए, तो आप सेल कर सकते हैं 2,811 के नीचे, स्टॉप लॉस लगाएंगे इसमें 2,825 का, टारगेट होगा 2,795 का, और सेकंड टारगेट 2,785 का। जो हमारा थर्ड है वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर आप बाई करेंगे 845 के ऊपर बाई करेंगे, SL लेंगे 840 का, टारगेट लेंगे 855 का फर्स्ट टारगेट एंड 860 का सेकंड टारगेट। सेलिंग करने के लिए आप सेल करेंगे 838 के नीचे, SL लेंगे 842 का, टारगेट होगा 830 का फर्स्ट टारगेट एंड 824 का सेकंड टारगेट। आई बात करते जो हमारा लास्ट पिक है वह है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर बाई कर सकते हैं 573 के ऊपर, स्टॉप लॉस लेंगे 568 का, टारगेट लेंगे 581 का फर्स्ट टारगेट एंड 586 का सेकंड टारगेट। सेलिंग साइड के लिए आप सेल कर सकते हैं 567 के नीचे सेल करेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे 572 का, और टारगेट लेंगे 558 का फर्स्ट टारगेट एंड 552 का सेकंड टारगेट। वीडियो आपको कैसा लग रहा है बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।